हेलो चैंपियंस, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। 9 और 10 तारीख की एग्जामिनेशन आपकी पोस्टपोन हुई है। अब आपके बहुत सारे सवाल हमें व्हाट्सएप पे आए और हमने जो वीडियो रखा है उसके ऊपर आए। आई होप आपको वीडियो दिखा ही होगा। ये रहा हमारा वीडियो, क्लियर। 4.6 के व्यू यहाँ पे दिखा रहा है, एक्चुअल में व्यू 6.5 के है। थोड़े थोड़े टाइम पे ये अपडेट होता रहता है। तो अब जो आपके सवाल आए हैं उसके ऊपर मैंने ये सेशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आगे क्या क्या हो सकता है। ये सेशन पूरा डेडिकेटेड है आपके जितने भी सवाल है उसके ऊपर। अभी भी आपको कोई ये वीडियो देखने के बाद सवाल लेता है तो कमेंट कर देना, आपको आपकी आंसर तुरंत मिल जाएगा। लेकिन पहले वीडियो को पूरा देखना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, तो आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और हमारी व्हाट्सएप ग्रुप जो है, व्हाट्सएप चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो एक भी अपडेट आपकी छूट नहीं जाएगी। अब सबसे पहले जो GTU का सर्कुलर है मैं इसको ओपन कर देता हूं। तो यहां पे पहले तो मेरे को ये थोड़ा दुख हुआ कि बहुत सारे बच्चों को तो ये पढ़ना भी नहीं आया कि क्या कह रहे हैं। अब आप इंजीनियरिंग में हो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश और हिंदी में बातें करो, अपने आप को अपडेट करो। लेकिन आप नहीं करते, फिर ऐसे सर्कुलर भी आप नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज ऐसे आए कि सर ये सर्कुलर तो एमफार्म सेमिस्टर 3 वालों का नहीं है, हमारा कहाँ पे। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या कहना चाहता है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो बेटा। तो ये बहुत खराब घटना है स्टूडेंट्स की, जो मुझे मैसेज 4-5 आए। मैंने उन लोगों को तो पहले थोड़ा धमकाया, फिर समझाया कि बेटा इंग्लिश सीखो आपके लिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं जाएगा, लेकिन आपका बहुत सारा नुकसान इन फ्यूचर जा सकता है। अभी आपको नहीं लगेगा लेकिन जाएगा जरूर। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सभी थियरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मतलब कॉलेज के वाइवा है, डिग्री के है, डिप्लोमा के है, कोई भी GTU का कोई भी बच्चा है, MBA MCA सब कोई का, विंटर 2023 की जो कोई भी एग्जामिनेशन है, थियरी प्रैक्टिकल उसमें रेगुलर आ गई, रेमिटल आ गई, सब कोई आ गई। कौन सी डेट की? 9 और 10 तारीख की, जनवरी की, क्लियर। लेकिन जो एमफॉर्म सेमिस्टर 3 रेगुलर रेमिडियल के डिसर्टेशन फेस 1 का DP1 है, जो GTU पे होता है, DP1 होता है मास्टर्स का, वो करना है, वो चालू रहेगा, वो बंद नहीं रहेगा। बाकी एग्जामिनेशन सारे, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कम होते हैं और उनको तो यूनिवर्सिटी पहुंचना होता है वाइवा देने के लिए, तो खाली एमफॉर्म सेमिस्टर 3 उस दिन पे अगर है तो वो कंटिन्यू रहेगा। उसके अलावा GTU के अंदर आप आते हो, किसी भी ब्रांच, किसी भी फील्ड, किसी में भी कोई भी एग्जाम, रेगुलर रेमिडियल, प्रैक्टिकल, वाइवा, थ्योरी, कुछ भी, कॉलेज का वाइवा नहीं, देखो कॉलेज का वाइवा नहीं, GTU का वाइवा की बात है, क्लियर। तो GTU का वाइवा, GTU का एग्जाम, अगर कॉलेज की कोई एग्जाम है तो वो तो रहेगी, क्लियर। GTU की विंटर 2023 के अंडर में जो भी आती है वो सारी यहाँ पे पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अब जो रेगुलर सवाल आए हैं वो सवाल कौन से है, 9 और 10 तारीख की न्यू डेट सर कब आएगी, क्या पूरा टाइम टेबल चेंज होगा? तो देखो पूरा टाइम टेबल यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, खाली 9 और 10 तारीख। तो मेरे को पता है कि 9 तारीख तो वैसे भी कोई एग्जाम नहीं है, 10 तारीख को फर्स्ट सेमिस्टर में BME है और थर्ड सेमिस्टर में ETC है। ETC सबको आता है तो सबको एक दिन छुट्टी मिल गई है, BME कोई कोई ब्रांच में आता है तो उनको भी उस दिन की छुट्टी मिल गई है, क्लियर। 10 तारीख की एग्जाम, 9 तारीख में रेमिडियल की एग्जामिनेशन है, 10 में भी रेमिडियल है तो वो भी पोस्टपोन्ड है, जो भी रेमिडियल है वो। पूरा टाइम टेबल चेंज नहीं होने वाला है, जो है वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब नहीं, हॉल टिकट भी आने वाली नहीं है, आपकी जो हॉल टिकट थी वही रहने वाली है, खाली उसमें डेट आप खुद से चेंज कर देना जो नहीं आए वो। तो नई डेट कब आएगी, कौन सी आ सकती है? तो देखो मैंने देखा पूरी एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख के आसपास लास्ट पेपर है तब खत्म हो रही, 22-25 कुछ भी है, अब एक्चुअल में पता नहीं है। थोड़ा हम ध्यान से एक बार चले जाए यहाँ पे तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है थर्ड सेम की एग्जामिनेशन 23 या 25 में खत्म हो रहा है, क्लियर। अब 25 पे यहाँ पे खत्म हो रहा है तो थोड़ा टाइम टेबल देखिए, बीच में डालने के चांसेस बहुत कम है, बीच में डालने के चांसेस बहुत कम है। थर्ड और फर्स्ट की लास्ट जो पेपर है ना वो उसमें ही खत्म हो रहा है। मैं फर्स्ट का BE देख लूँ, BE का पेपर हर बार लास्ट होता है, तो इसको भी हम चेक कर लें, क्लियर। तो लास्ट पेपर कौन सा है यहाँ पे चेक करते हैं, BE का ही होगा, 25 तारीख को BE है ना, फर्स्ट में भी 25 तारीख को BE, भले आपकी ब्रांच में ना हो लेकिन हमें कॉमन देखना होता है। तो अब थोड़ा टाइम टेबल की ओर देखे, देखो ऐसा हो सकता है 25 तारीख को लास्ट पेपर है तो 26 को तो वैसे भी हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे 26 जनवरी, उस दिन पे तो एग्जाम नहीं हो सकती। 27 को सैटरडे को और 29 को मंडे को, संडे को भी पेपर नहीं रखेंगे, तो 27-29 कुछ भी हो सकता है। अब आप ऐसा सोचोगे सर मेरे बीच में छुट्टी है, उस दिन एग्जाम आ जाए तो मुझे चांसेस उसके कम लग रहे हैं, क्योंकि आपको छुट्टी है लेकिन उस दिन दूसरे पेपर चलते होते हैं तो उसका स्केड्यूल पहले से सेट होता है, तो शायद वो लोग उस स्केड्यूल को शायद डिस्टर्ब ना करें, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस एंड पे, क्योंकि मैंने आज तक का जो GTU का सर्वे मैंने किया है, जब भी एग्जाम पोस्टपोन हुई है तो लास्ट में ही गई है, क्लियर। तो यहाँ पे एग्जाम जाने के चांसेस है 26 और 29 को, एक पेपर गया है तो 26 को नहीं, सॉरी 27 को, एक पेपर ही है तो 27 को जाने के चांसेस है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पकड़ मत लेना कि साहब आपने 27 बोला था, है ना, लास्ट में जाने के चांसेस है। तो आप ऐसा घबरा मत जाओ कि सर बीच में कहीं पे आ गया तो हम क्या करेंगे, नहीं आएगा, पॉजिटिव रहो, नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या थे और सवाल,
कौन सी एग्जाम उसके बारे में तो बता दिया सब एग्जाम, कब डेट आएगा, अब कब डेट आएगा वो तो यूनिवर्सिटी को पता है, लेकिन बहुत जल्द ये लोग डेट दे देंगे, जैसे ही डेट आती है हम वीडियो बना देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इंस्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हॉल टिकट नहीं आएगी, पुरानी हॉल टिकट का ही आपको यूज करना है। अब मुझे दो तीन मैसेज ऐसे आए कि सर हमने तो टूर प्लान कर दी थी, आज एग्जाम खत्म है कल हम टूर निकलने वाले थे और नॉन रिफंडेबल पैसा है, तो अब क्या करें। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कभी यूनिवर्सिटी के ऊपर भरोसा ना करें, ऐसा हर बार नहीं बहुत बार हुआ है, क्लियर, बहुत बार हुआ है। तो कभी भी एग्जाम खत्म हो रही है उसके दूसरे दिन टूर प्लान मत करें, है ना। इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, नेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट होती है, पैसे रिफंडेबल बहुत कम जगह पे होते हैं, है ना, बहुत कम टाइम तक देते या फिर काट के देते। कोई कोई फ्लाइट नॉन रिफंडेबल भी होती है, मोस्टली नॉन रिफंडेबल ज्यादा होती है, रिफंडेबल के पैसे ऑलरेडी टिकट के ज्यादा होते हैं, हम वो नहीं करते, क्लियर। तो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, आगे यूनिवर्सिटी की जितनी भी एग्जाम आए, आज एग्जाम खत्म हो रही तो एक वीक के बाद का टूर का प्लान करना, है ना, वो खास ध्यान में रखना, वरना आपके साथ भी ये हो सकता है, आपके साथ भी ये हो सकता है, क्लियर। तो टूर वाले बच्चे लोग क्या करें, अगर नॉन रिफंडेबल पैसा है तो थोड़ी देर के लिए वेट करें, नई डेट आ जाने दीजिए। कौन सी डेट आती है, शायद थोड़ी और लेट आए, है ना, सैटरडे वो लोग ना रखे, मंडे को रखे, दो दिन की आपकी टूर है तो एग्जाम खत्म होने के बाद सैटरडे संडे आप घूम आओ, ले तो इसमें अब थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। तो आई होप अब आपको सारे आंसर यहाँ पे मिल गए, क्लियर, आपको सारे आंसर यहाँ पे मिल गए हैं क्या करना है। तो अब आपके पास मौका है पढ़ाई करने का और पढ़ के सिक्स या फिर चौका मारने का, तो एक दिन मिला है, एक दिन मतलब 24 आवर्स होता है, अच्छी पढ़ाई यहाँ पे हो सकती है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो मैं तो आपको बोलूंगा टाइम मिला है तो अच्छे से पढ़ाई कर लो, 16 तारीख का जो पेपर है उसकी भी पढ़ाई कर लो, तो 15 तारीख को थोड़ा उत्तरायण का भी सेलिब्रेशन आप कर पाओ, 14 को तो करने ही वाले हो, 15 को भी कर पाओ, तो ऐसे प्रॉपर तरीके से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। लेकिन वीडियो में हमने जो बताया है वो सेम वापस मत पूछना कि सर श्योर कैंसिल हो गई है, थोड़े इंजीनियरिंग के तरह, क्योंकि मैंने वीडियो डाला उसके बाद भी मेरा वीडियो मुझे वापस आया, सर आप ये जो कह रहे हो वो श्योर है, आप पक्का बोल रहे हो, तो कितना दिमाग जाए आप सोचो। आप मेरी जगह पे कभी एक दिन के लिए आ जाना, एक दिन के लिए सीएम बन जाना प्रिय सर विद्यापीठ का, आपको पता चलेगा कितना लोड रहता है, लेकिन चलता है, स्टूडेंट हो तो बच्चे लोग मासूम, या नहीं मासूम नहीं होगे तो कौन होगा, बड़े तो थोड़े हो गए। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे कोई न्यू अपडेट में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।